ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 19 मार्च 2019 मंगलवार का दिन है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। अश्लेषा नक्षत्र जो कि शाम को 5:26 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा जो कि सिंह राशि में विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मीन राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार इन 7 राशि वालों को होगा धन संपत्ति का लाभ। ये 7 राशियां इस प्रकार है: वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ। इनको धन प्राप्ति का उत्तम योग बना हुआ है, साथ ही रुका हुआ पैसा इनका प्राप्त हो सकता है। इनकी आमदनी बढ़ने वाली है, इनकी सैलरी में विशेष लाभ इनको प्राप्त होने वाला है। साथ ही इनको यदि व्यापार कार्य करते हैं तो वहां पर अचानक अनायास कुछ धन प्राप्त होने का योग है। इनको नई संपत्ति खरीदने का भी योग बनेगा, भूमि भवन वाहन का भी इनका योग बन रहा है। कुल मिलाकर के इन 7 राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायी स्थिति बनेगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।